नंबर 39 विश्व की घास भूमियाँ। प्रश्न एक, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं ए प्रेयरी, बी पंपास, सी स्टेपी, डी डाउन्स। उत्तर है ए प्रेयरी। प्रश्न दो, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है ए सवाना, बी पंपास, सी कैंटरबरी, डी डाउन्स। उत्तर है डी डाउन्स। प्रश्न तीन, अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है ए वेल्ड, बी डाउन्स, सी पंपास, डी कैंटरबरी। उत्तर है सी पंपास। प्रश्न चार, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है ए वेल्ड, बी कैंटरबरी, सी डाउन्स, डी पंपास। उत्तर है ए वेल्ड। प्रश्न पाँच, उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक वृत्त क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्ष विहीन घास के मैदान को क्या कहा जाता है ए सवाना, बी स्टेपी, सी टुंड्रा, डी प्रेरी। उत्तर है बी स्टेपी। प्रश्न छः, सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं ए मध्य एशिया में, बी उत्तरी अमेरिका में, सी उत्तरी मध्य अफ्रीका में, डी ऑस्ट्रेलिया में। उत्तर है सी उत्तरी मध्य अफ्रीका में। प्रश्न सात, पैडंग है ए अमेजन की सहायक नदी, बी ऑस्ट्रेलिया की एक झील, सी स्थानांतरणशील कृषि पद्धति, डी दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि। उत्तर है डी दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि। प्रश्न आठ, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं ए ब्राजील, बी इंडोनेशिया, सी श्रीलंका, डी हंगरी। उत्तर है सी श्रीलंका। प्रश्न नौ, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है ए लानोज, बी कैंपोस, सी पार्कलैंड, डी सवाना। उत्तर है ए लानोज। प्रश्न 10, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है ए लानोज, बी कैंपोस, सी पार्कलैंड, डी सवाना। उत्तर है बी कैंपोस। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं नंबर एक कैंपोस, नंबर दो पंपास, नंबर तीन सवाना, नंबर चार स्टेपी। कूट ए एक एवं चार, बी एक एवं तीन, सी दो एवं तीन, डी एक एवं दो। उत्तर है बी एक एवं तीन, अर्थात नंबर एक कैंपोस और तीन सवाना। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है ए लानोज, बी वेल्ड, सी प्रेरी, डी स्टेपी। उत्तर है ए लानोज। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है ए सवाना, बी कैंपोस, सी वेल्ड, डी लानोज। उत्तर है सी वेल्ड। प्रश्न 14, वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल नहीं की जाती है ए शीतोष्ण कटिबंधीय, बी टुंड्रा, सी आयनवर्ती, डी उष्ण कटिबंधीय। उत्तर है ए शीतोष्ण कटिबंधीय। प्रश्न 15, पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं ए उच्च अक्षांशीय घास भूमि, बी मध्य अक्षांशीय घास भूमि, सी निम्न अक्षांशीय घास भूमि, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी मध्य अक्षांशीय घास भूमि। प्रश्न 16, सुमेलित नहीं है ए दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, बी अर्जेंटीना पंपास, सी ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, डी ब्राजील लानोज। उत्तर है डी ब्राजील लानोज। प्रश्न 17, सुमेलित नहीं है ए कैंटरबरी न्यूजीलैंड, बी वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, सी पार्कलैंड ब्राजील, डी लानोज वेनेजुएला। उत्तर है सी पार्कलैंड ब्राजील। प्रश्न 18, सही सुमेलित है ए डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, बी कैंपास ब्राजील, सी पार्कलैंड अफ्रीका, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है
डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 19, विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? ए 1/5, बी 1/7, सी 1/8, डी 1/12। उत्तर है ए 1/5। प्रश्न 20, सुमेलित कीजिए। सूची 1 घास भूमियां, ए पंपास, बी डाउन्स, सी स्टेपी, डी प्रेयरी। सूची 2 अवस्थित, ए उत्तरी एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अर्जेंटीना, डी उत्तरी अमेरिका। उत्तर है ए पंपास का अर्जेंटीना, बी डाउन्स का ऑस्ट्रेलिया, सी स्टेपी का उत्तरी एशिया, डी प्रेरी का उत्तरी अमेरिका। प्रश्न 21, सुमेलित कीजिए। सूची 1 घास भूमि, ए वेल्ड, बी कैंटरबरी, सी लानोज, डी कैंपास। सूची 2 अवस्थिति, ए अफ्रीका, बी न्यूजीलैंड, सी वेनेजुएला, डी ब्राजील। उत्तर है ए वेल्ड का अफ्रीका, बी कैंटरबरी का न्यूजीलैंड, सी लानोज का वेनेजुएला, डी कैंपास का ब्राजील। प्रश्न 22, सवाना घास का मैदान कहाँ है? ए अफ्रीका में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी यूरोप में, डी उत्तरी अमेरिका में। उत्तर है ए अफ्रीका में। प्रश्न 23, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? ए आयरलैंड, बी कनाडा, सी ब्राजील, डी दक्षिण अफ्रीका। उत्तर है डी दक्षिण अफ्रीका। पृष्ठ 321।